सो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आपके पास है वीवो T3 5G मोबाइल है और दोस्तों आप चाहते हो अपने मोबाइल में फेसबुक को हाइड करना होम स्क्रीन से, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देखो फेसबुक दिखाई दे रहा है, इसको आप होम स्क्रीन से हाइड करके चला सकते हो। तो दोस्तों फेसबुक को हाइड करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। आप दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी पासवर्ड बना लेना है, तो दोस्तों यहाँ पे 6 अंकों का बना लेना है। दोबारा से वही पासवर्ड कंफर्म करना है और आपको याद भी रखना है। सिक्योरिटी आंसर में दोनों जगह पे एक ही चीज डालना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप हेडिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको व्यू हिडन ऐप्स के सामने टिक डिसेबल इस को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको फेसबुक के सामने टिक जो डिसेबल है उसकी टिक को यहाँ पे इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद डू नॉट रिमाइंड मी अगेन पे टिक करना है और यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। तो सक्सेसफुली आपका जो फेसबुक है वो आपकी होम स्क्रीन से हाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हो कहीं भी आपका फेसबुक दिखाई नहीं दे रहा है, सक्सेसफुली जो है हाइड हो चुका है। तो दोस्तों ये बात फेसबुक को हाइड करने की। अब दोस्तों आपने जो फेसबुक हाइड किया उसको चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे, तो चलाने के लिए आपको स्क्रीन को दो उंगली रख के ऊपर को इस तरह से स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपने जो 6 अंकों का प्राइवेसी पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, आपका हाइड फेसबुक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप हाइड फेसबुक अपना चला पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो T3 5G मोबाइल में फेसबुक हाइड कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।